वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं तुलिका सिंह और आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है और सबसे ज्यादा अगर इसका असर पड़ा है तो बच्चों के ऊपर। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एक्टिविटीज, हर काम घर से ही करने की जो आदत हमारी बिल्कुल नहीं थी उसमें बच्चे अब पूरी तरह से रम चुके हैं। इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। ऑल्दो वैक्सीन आने वाली है, कुछ स्कूल्स खुल चुके हैं, कुछ क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और छोटे बच्चों की आज नहीं तो 2-3 महीने बाद वापस होंगी, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह से बदली होगी। ऐसे में आपको और हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों पर इसका जो साइड इफेक्ट पड़ा है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, खत्म नहीं तो कम से कम कैसे कम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बात करते हैं तनाव की। छोटे छोटे बच्चों में इस तरीके का स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। थ्रू आउट स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गई है। मोबाइल पे जहां हम अपने बच्चे को गेम खेलने से रोकते थे, आज हमारी मजबूरी है कि हम मोबाइल पे बच्चा हमारा 4-5 घंटे टाइम स्पेंड कर रहा है। उसका असर उसकी सेहत पे, ओबेसिटी पे, आंखों पे, दिमाग पे, मानसिक विकास पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ऐसे में जब स्कूल खुलेंगे तो व्यवस्था ऑलरेडी बदली हुई होगी। तब हो सकता है ऐसा देखने को मिले कि बच्चों की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही, वो जो टीम वर्क की भावना थी, वो जो 4 लोगों के साथ बैठ करके 4 नए तरीके के काम करने के जो प्रोसेस स्कूल में सिखाए जाते थे वो सब अब बदले हुए होंगे। नए तरीके से टीचर्स पेश आएंगे, बच्चों को भी नए तरीके से पेश आना पड़ेगा और उनके मानसिक स्थिति पे पूरी की पूरी तरह से कहते हैं अपनी नजर बनाए रखना आपकी और हमारी जिम्मेदारी होगी। ऐसे में अभी भी वक्त है, हम अगर बच्चों को आने वाली नई व्यवस्था के लिए तैयार कर सके, उनके ऊपर से थोड़ा सा मानसिक तनाव खत्म कर सके, ये बेहद जरूरी है। तो करना क्या है, सिर्फ 2-3 काम आपको करना पड़ेगा। अपने पूरे घर में जो भी आपको सुबह से, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपका बच्चा घर से पढ़ाई कर रहा है, सब कोई घर में है, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड निकालिए कि आप भी गैजेट से अपने आप को दूर रखिए और बच्चे के साथ कुछ न कुछ इंडोर गेम या बाहर लेकर के आप जा सकते हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ लेके जाइए। 1-2 घंटे का समय जरूर गुजारिए, गैजेट से उनको दूर रखिए। बुक्स पढ़ने में ऑब्वियस बात है, बच्चे थ्रू आउट घर में है तो इतना मन नहीं लगता, लेकिन अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है तो पढ़ाइए, नहीं इंटरेस्टेड है तो उसके मन मुताबिक कुछ क्रिएटिव काम को आप शुरू कीजिए। घर के कामों में उसके इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए और उसको मेंटली प्रिपेयर करते रहिए, काउंसिल करते रहिए कि जब स्कूल्स ओपन होंगे तो पहले जैसा कुछ नहीं होगा, आपको ये प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलेंगे। इन तरीके की प्रिपरेशंस करके आपको जानी होगी, हाइजीन्स का ध्यान रखना होगा और सबसे ज्यादा इस तरीके के कम्युनल डिजीज से लड़ने के लिए बच्चे को खुद तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज कोविड है कल नहीं रहेगा या कल कोई नई बीमारी नहीं आएगी। ऐसे में उनका मानसिक विकास, उनका शारीरिक विकास हर तरीके से होता रहे, ये सुनिश्चित करना सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। और हाँ, इन सब के बीच में उनके खान पान का ध्यान आप जरूर रखिए। घर में 1/2 घंटे का वर्कआउट ही सही उनसे जरूर करवाइए और प्यार दुलार में जो हम लोगों ने, हमने, आपने सब ने मिलकर के लॉकडाउन में जो किचन को एक्सप्लोर किया एज अ शेफ, उसको थोड़ा सा कहते ना, थोड़ा सा रोक लगाते हैं और कुछ हेल्दी चीजों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा आप बच्चों की मील डिसाइड कीजिए, क्योंकि पूरे दिन घर में बच्चे, भूख लगेगी, बट आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने किचन से उनको क्या डिलीवर कर रहे हैं। तो प्लीज 2-2 घंटे पे एक स्मॉल पोर्शन उनको जरूर दीजिए, जंक खाने से बचाइए और ऑनलाइन ऑर्डर करने की प्रवृत्ति पे रोक लगाइए, जो कि आजकल सबसे ज्यादा ओबेसिटी का कारण है।